तो यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं IFCI लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं और कंपनी बहुत बड़े बड़े धमाके करने की तैयारी में है। सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लास्ट ट्रेडिंग डे को तकरीबन 2% की गिरावट थी। पिछले 5 दिनों में 17 से 18% की तेज़ी, 1 मंथ में 14 से 15% के रिटर्न, 6 मंथ में 135% के पॉजिटिव रिटर्न और पिछले 1 साल में 500% के मोटा मोटा रिटर्न हम ले सकते हैं। 5 सालों में 821% के रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं और पिछले 1 साल के रिटर्न है तकरीबन 480% के अराउंड। मैक्स चार्ट देखें तो स्टॉक से अब वापस अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड भागने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है बीजेपी की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पहले ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की थी और जब वापस से उनकी जो गवर्नमेंट वापस सत्ता में आई है तो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है IFCI को। ये गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है, गवर्नमेंट की अच्छी खासी होल्डिंग भी है। LIC ने अच्छे खासे स्टेक बाय करके रखे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 वीक के अंदर अंदर ही गवर्नमेंट ने IFCI में अपनी होल्डिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी के लिए गवर्नमेंट और ज़्यादा अच्छे से काम करने वाली है। मार्केट कैप अच्छी खासी है, तकरीबन 19,375 करोड़ के अराउंड। स्टॉक PE 188 है, यानी कि स्टॉक अब थोड़ा सा महंगा हो चुका है और रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन यहाँ पर 2.49 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.2 है, ये भी कम है। प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, 71.7% की होल्डिंग है और इसमें से भी यहाँ पर 1.40% के जो शेयर्स हैं वो होल्डिंग बढ़ाई गई है प्रमोटर के द्वारा। सेल्स कंपनी की 33.3% इंक्रीज़ हुई है, बट अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 183% इंक्रीज़ हुआ है। DI की होल्डिंग 1.94% है और FIs की होल्डिंग 2.31 है। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, तो उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर चार्ट पे जाएं तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आया है और स्टॉक अभी 50-day मूविंग एवरेज और 200-day मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि तेज़ी और ज़्यादा बनी रहने वाली है। अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 157 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जबकि पिछले साल इसी टाइम कंपनी 240 करोड़ के लॉस में थी। उससे पहले पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट निकाल के दिखाया हुआ है और अब मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, 95% चांसेस ये हैं कि Q1 में भी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। ऑब्वियस है कि कंपनी की अगर प्रमोटर ने अपनी परचेसिंग बाय की है तो उन्हें पता है कि कंपनी बहुत अच्छा काम करने वाली है, तो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो उन्हें होल्ड करके चलिए, लॉन्ग रन में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ये निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह से कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।